हाँ जी नमस्कार। रविवार की सुबह खुशनुमा सुबह। आज भी वो दिन याद आता होगा ना जब स्कूल में एक दिन की छुट्टी मिला करती थी, रविवार को इत्मीनान से उठा करते थे और कार्टून देखा करते थे। लेकिन आजकल जिंदगी की उलझनों में इतने उलझ चुके हैं कि पता ही नहीं चलता कब रविवार निकल जाता है और कब सोमवार आ जाता है। इसके पीछे कारण हम सब जानते हैं कि हम सब कुछ ना कुछ पाने की दौड़ में दौड़ रहे हैं, और वो शायद इसलिए दौड़ रहे हैं कि हमें एक मंजिल की तलाश है और वो मंजिल हमें पानी है। और आए ना आए दिन कोई हमें ये कहकर भी परेशान करता रहता है कि क्या किया तूने अब तक, क्या हुआ तेरे रिजल्ट का, क्यों नहीं हुआ तेरा एग्जाम क्लियर, क्या हो गया, इतने साल से तू लगा हुआ है, उसके बेटे ने तो ये कर लिया, उसकी बेटी ने तो ये कर लिया। आए ना दिन ये ताने हमें सुनने को मिलते हैं और इसी तानों की वजह से हमें ये सोचने में मजबूर कर दिया है कि और कितना समय हमें लगेगा इन सब चीजों को पाने में। और इसी तरह का सवाल मैंने अभी हाल ही में आए SBI PO सेलेक्टेड से भी पूछा। मैंने उनसे बात की तो उसने मुझे कुछ अपने बारे में बताया। उसने मुझे बताया कि वो एक कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं था, जस्ट सिंपल एक नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन, बहुत इंटेलिजेंट नहीं था यार वो। लेकिन फिर भी उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। और जब मैंने उससे पूछा कि भाई क्या कारण क्या रहा, एक शब्द में अगर जाहिर करना चाहो कि क्या कारण रहा, तुमने कैसे इस सफलता को हासिल किया, उसने बड़े विनम्रता के साथ एक शब्द में उत्तर दिया मुझे, और वो शब्द था कंसिस्टेंसी। बिल्कुल मैं भी यही मानता हूं कि कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है जो आपको यहां पर अगर मेंटेन करके चलते हैं तो जरूर वो आपको एक अलग राह पर लेकर चलती है। एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है ज्वेन जोनासन, नाम सुना होगा आप सबने। उन्होंने भी यही कहा है दैट आई हैव लर्न्ड ओवर द इयर्स दैट व्हेन इट कम्स टू सक्सेस कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंट हार्ड वर्क दैट वी मे नॉट लाइक डूइंग टूडे, जो आप करना पसंद नहीं करते आजकल, बट फॉर अ पे ऑफ वी विल लव टुमारो, सो अर्न इट एंड एंजॉय इट। क्या खूब कहा है। और मैं भी ये मानता हूं कि इट विल बी हार्ड टू कीप वर्किंग ऑन समथिंग डेली, बहुत मुश्किल होता है यार, बहुत मुश्किल होता है कि एक ही चीज पे कंटिन्यू काम करते रहना, बहुत ही बोरियत भी महसूस होती है और ऐसा लगता है कि छोड़ दूं ये सब, चला जाऊं कहीं, रविवार सोमवार सब कुछ भूल जाऊं, मैं इत्मीनान से कहीं रहूं, सुकून से कहीं रहूं। लेकिन एक बात याद करना कि अगर आप किसी भी एक चीज को कंटिन्यू करते रहते हैं, इन छोटी छोटी खुशियों को सैक्रिफाइस करते रहते हैं, तो अंत में ये सब आपको जरूर कुछ ना कुछ हासिल करके ही देगा। इट विल बी हार्ड टू कीप वर्किंग ऑन समथिंग डेली फॉर मैनी आवर्स टू कीप ऑन मास्टरिंग इट एंड सैक्रिफाइसिंग स्मॉल जॉयज, बट इट ऑल वर्थ इट। आप सबने खरगोश और कछुए की कहानी जरूर सुनी होगी यार, सबने सुनी है मानता हूं। क्या आप मुझे एक बात बता सकते हैं कि कछुए ने वो रेस जीती, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? आप में से ज्यादातर उत्तर मुझे यही देंगे कि सर खरगोश जो था वो यहां पर आखिर में आकर सो गया था। लेकिन एक और चीज सोचिए कि अगर खरगोश सो गया था और यही बात कछुआ
भी समझ लेता या कछुए को यह लगता कि खरगोश तो तेज दौड़ता है और वो अपनी जो चाल है उसको नहीं मेंटेन करके चलता, तो फाइनली वो भी नहीं उस सीमा के बाहर पहुंच पाता। कहने की बात यह है कि कछुआ अपने प्रयासों में कंसिस्टेंट था, उसने नहीं छोड़ा, भले ही वह जानता था कि खरगोश उससे बहुत तेज था, आप भी जानते हैं बहुत तेज था। तो हम सबको यही चाहिए। वास्तव में कुछ लोग हमसे आगे हैं और कुछ हमसे पीछे भी हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग अपने प्रयासों में कंसिस्टेंट हैं, और आपको भी उनमें से एक होना चाहिए। एक प्लान बनाएं और उस पर टिके रहे, और अंत में आप भी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। हो सकता है इसमें 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, शायद उससे ज्यादा, लेकिन कंसिस्टेंटली वर्क करने से परिणाम मिलेंगे ही मिलेंगे, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज व्हाट ट्रांसफॉर्म्स एवरेज इनटू एक्सीलेंस। शुक्रिया।